गुड मॉर्निंग गाइस, आज आया हूँ मैं जोगिंदर नगर। कुछ सेल्फ एक्सेसरीज वगैरह लेनी है और शगुन को कुछ क्लोथ्स वगैरह भी लेने हैं। और तो भाई करते हैं शॉपिंग। जस्ट अभी पहुँचा और गाड़ी मैंने यहीं पर पार्क लगाई है, पार्क की हुई है। भाई चलान होने का डर है, बट मैं 15-20 मिनट लगाऊंगा वहाँ पर, उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा उसकी जगह। मैं बताता हूँ मैंने कहाँ पर लगाई है। ये लगी है भाई यहाँ पर अभी, और हम सामने अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ही गाड़ी को हटाऊंगा यहाँ से। मित्रों तो ये प्लेट मेरे को आई थी और ये शगुन ने खींच करके, वो शगुन खा रही है। अब मेरी पत्नी कब आएगी, अभी पढ़ रहे हैं वहाँ परांठे। ये मेरे को दी थी इन्होंने, ये शगुन ने मेरे से ज़बरदस्ती छीन ली और खा रही है अभी। ये आ गया मेरे को परांठा और यहाँ पर रखा हुआ था मक्खन, और शगुन ने यहाँ से खाया और अपनी दाल में डाल दिया और यहाँ पर अपना ये लगा लिया। बिना मक्खन करेगा देखो, अब कैसे खाऊंगा मैं देख लो। मित्रों तो कुछ एक सामान यहाँ पर रख दिया मैंने, ये नीचे कपड़े ले लिए, झाड़ू ले लिया, सब्जियां ले ली, और भाई कुछ ये भी ले लिया, चावल का आटा, और एक ये हीटर ले लिया, बड़े वाला हीटर है ये 3 फुट ऊंचा। और भाई साथ मित्रों तो गाड़ी चलाई बहुत, कोई एक हफ्ते से तेल नहीं डाला हुआ था, तो अभी तेल डालते हैं। और भाई बाकी मैं अपनी उस दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें मेरा सामान है शॉपिंग का। तो पहले तो मैं तेल भरता हूँ और उसके बाद उसको मैंने बताया है गाड़ी वाले को कि मैं कहाँ पर मिलूँगा, तो अभी आ ही रहा होगा, आधे रास्ते में था अभी। ये यहाँ पर भर रहे हैं अभी, अपनी गाड़ी को भी शॉपिंग करवा रहे हैं। और ये गाड़ी भी आ गई भाई मेरी दूसरी, इसमें अपनी वाशिंग मशीन। और भाई आप आए हैं मशीन लेकर के? ओके मेरी है ये। अच्छा तो भाई बढ़िया बांधी है ना, पक्की ना, ठीक है। ये सामने जो भर रहे हैं तेल, हाँ तो भाई जो तेल भरा लिया और अब सीट बेल्ट लगा लेते हैं। ये तो भाई ये सायरन मारने लग जाती है, टू 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 टू, ठीक भी है, पूरे नियमों में चलना चाहिए। गाड़ी में भाई पूरी धूल मिट्टी जम गई, आगे देखो प्रिंट स्क्रीन में, इसको मैं कर लेता हूँ साफ। भाई वाइपर भी चेंज करना पड़ेगा, इसके लाइनें छोड़ रहा है, पर साथ में चला ना इसका वाइपर ज़्यादा, या कई बार हम क्या करते हैं ना बिना पानी के सूखा ही घुमा देते हैं, तब ये खराब हो जाती है ब्लेड, फिर ब्लेड ज़्यादा खर्चे भी नहीं, 150 की ब्लेड होती है तो डाल लेंगे। पर भाई आज सुबह मैंने बैंक से भाई नेट 50,000 रुपये निकाला था, जेब में 2,000 रुपये बचा सिर्फ, भाई 15,000 रुपये गद्दा आया, 22,000 की मशीन आई, 4,000 का हीटर आया और 12,000 रुपये का माइक्रोवेव वो बनाया। माइक्रोवेव की तो मैंने एक ही पेमेंट ऑनलाइन, भाई बाकी तो 2,000 जेब में पता नहीं कहाँ कहाँ गया, पता नहीं लगा घर में जाके हिसाब किताब करेंगे। और भाई गाड़ी तो भी 38 की माइलेज दे रही है, थोड़ी डाउन हिल है ना अभी चल रहा है, अगर माइलेज तो बड़ी प्यारी देती है भाई गाड़ी है, मतलब इसमें आप देखो हमारा हिल एरिया है, इसमें मेरे को सिर्फ कुछ 6 का पैचिस को छोड़ के जो 3-4 किलोमीटर का पैच है उसमें देती है 6-7 का एवरेज, उसके बाद भाई 22 और 25। अगर इसको थोड़ा रफ ड्राइविंग करूं तो भाई 18-19 तो कहीं नहीं जाती है। ओवरऑल 2 साल होने को आ रहा है, 2 तो नहीं 1.5 साल हो गई, या 2 साल होने को है, 1.5 साल हुई पूरी, अभी दूसरी साल चली हुई है, पूरी होने वाली है। भाई ओवरऑल मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ बलेनो कार से, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ठीक है अभी, ये पुरानी तो आपको पता ही था क्या था उसका हाल, ये भी उतना खास नहीं है, पर चलो अपने मन को मैं तसल्ली देता हूँ कि इसका टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है तो ठीक ही होगी।
मित्रों मैं पहुंच गया चक्का में अपने नागेंद्र भाई के पास। भूख लगी हुई थी तो समोसा चना खा रहे हैं दही के साथ। तो भाई देख लो यहीं पर आता हूँ मैं नागेंद्र फास्ट फूड में। आज भी आया जोगिंदर नगर से और गाड़ी में सामने सामान रखा हुआ है और कुछ है किसमें तकरीबन 70,000 के करीब मेरा ख़त्म हो गया आज। तो भाई पहले तो हम लघु शंका करते हैं, सामने पड़ा है बाथरूम वहाँ जाते हैं। फैसिलिटियाँ आपको पूरी मिलेगी, आपका यहाँ पर प्रतीक्षालय या आप रेन शेल्टर बोल लो। और ये रास्ता चला गया माता चतुर्भुजा के लिए और ये नीचे वाशरूम है भाई, बड़ा वाशरूम है, परे तक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। ये जंगल देखो, जंगल के बीच से जाता है। अब हमारा थोड़ा हमने 1 किलोमीटर पीछे से हाईवे छोड़ दिया और अपने लोकल लिंक में पहुंच गए, लोकल रोड में। देखो कितना प्यारा रोड है, देखो दोनों तरफ बांध के पेड़ है और इतना ठंडा ठंडा है पूछो मत, बहुत ही प्यारा शुद्ध हवा। और रोड देखो नीट एंड क्लीन। आपको भाई हमारे इलाके में मैं बोलता हूँ लोकल मार्केट में थोड़ा बहुत प्लास्टिक आपको मिल सकता है, वो भी बहुत कम, क्योंकि सगुन के स्कूल ने भाई हर महीने जो इनके कैंप लगते हैं NSS के, NSS ना सगुन NCC वगैरह के, तो भाई वो साफ कर देते हैं। लेकिन बाकी आपको भाई रोड में क्या तो गांव के रास्तों में क्या भाई गंदगी और पॉलीथीन मिलेगा ही नहीं। आपको मिट्टी घास मिलेगी, पत्थर मिलेंगे, लेकिन भाई जो गंदगी हम देखते हैं ना ऊपर लद्दाख वगैरह में जाते हैं लोग, कुल्लू मनाली कितनी गंद मचाया हुआ है भाई हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आता नहीं है, टूरिस्ट नहीं आता तो गंदगी मचती नहीं। और हम जो है यहाँ लोकल लोग जो है भाई हमें साफ सफाई पसंद, हम घर की भी सफाई रखते हैं और अपने आस पड़ोस की भी सफाई रखते हैं। तो गाइस घर पहुंच के हमें शगुन और शगुन का दादू चला गया ऊपर अपना सामान लेकर के और माइक्रोवेव ओवन लेके चले गए। भाई यहाँ पर एक ये हीटर है और ये गोदरेज वाशिंग मशीन है और यहाँ पर नन्हे मुन्ने हैं चंटू बंटू हमारे, और भाई साथ में गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे। लेकिन भाई ये वाशिंग मशीन अब उठाना मुश्किल है, खैर वजनदार नहीं है पर साइज में बड़ी है तो इतने ऊपर ले जाएंगे इसको। भाई तो सामान पहुँचा दिया सारा ये, और साथ में शगुन के लिए एक्सेसरीज ली, ये चांदी की ये ली माला, ये देखो भाई ऐसी है, और साथ में इसको ये लिए टॉप्स, यानी कि एक मैंने ली खुद के लिए चैन, और भाई सब्जी वगैरह है, एक माइक्रोवेव है और ये हीटर है और ये गोदरेज वाशिंग मशीन है और ये ग्लोब है, ग्लोब भी लिया शगुन के लिए, शगुन को चाहिए था और शगुन के दादू को तो ये लिया। और कुछ एक और आइटम्स लिए, गाड़ी में पड़ी हुई हैं कपड़े वगैरह तो भी फिर जाएंगे गाड़ी से निकालेंगे, शगुन को भेज रहा हूँ मैं नीचे। शगुन ले आना बेटा पूरा सामान है। अच्छा। गाइस तो करते हैं ओपनिंग, इसी ब्लॉग में दिखाएंगे आपको खोल करके इन चीजों को। भाई चाकू छुरी हमें कुछ नहीं चाहिए ओपनिंग करने के लिए, हाथ ही चाकू छुरी है तुम्हारे भाई के, मैं नहीं बोलता हूँ लोग बोलते हैं ऐसा, जिनके लिए मैं ठीक नहीं हूं, और आपको पता है मैं किन के लिए ठीक नहीं हूं, जो मेरे लिए ठीक नहीं है उनके लिए मैं ठीक नहीं। तो भाई मैं बताता हूँ ये है बालको का हीट पिलर भाई, क्या लिखो है भाई, तो पैकिंग तो तगड़ी है। ये निकल गया भाई, ये ज्यादातर लोग ऑफिस के लिए यूज करते हैं इनको। मैं बताता हूँ भाई कितनी बड़ी है, ये लो मित्रों
आ गई भाई गोदरेज की। सगुन बताओ जरा नजदीक आ करके भाई, इसमें आप कंबल भी धो सकते हैं, बड़ी है ये देख लो, स्टील ड्रम है, प्लास्टिक का नहीं है, स्टील ड्रम। बाकी इसकी एक्सेसरीज है ये और बहुत बड़ी है, इसमें आप कंबल बड़े आराम से धो सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है, इसको देखते हैं भला, मेरे को भी नहीं पता तो आपको कहाँ से पता होगा कि इसमें क्या क्या मिला मेरे को भाई। ये भी स्टील ड्रम है, जो ड्रायर है भी स्टील ड्रम ही है, बढ़िया काफी बढ़िया है। और ये जो भाई ये हाइड्रोलिक है, देखना अभी सगुन थोड़ा दूर से, खुद ब खुद बंद होगा आराम से, ये देखो इसका क्या है कि बढ़िया स्टील ड्रम भी है और हाइड्रोलिक है, देखना अपने आप बंद होगा ये 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 ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते, ऐसे है ना, आप जल्दी आपको तो ऐसे कर दो जैसे कि ये है ऐसे, तो जल्दी है तो ये ऐसे कर दो, पर फिर भी टाइम लेगा। अच्छी है मतलब कुल मिला ये ऐसे, ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती ऐसे। और भाई इनकी क्वालिटी भी ठीक है, बटन की अच्छी है। और मैं वजन बताता हूँ कितना है इसका, लोग मोबाइल का बताते हैं, हम वाशिंग मशीन का बताएंगे भाई, कोई ज्यादा नहीं, 35 से 36 किलो वजन है, 40 के करीब ही हो सकता है, क्योंकि मेरे प्राण निकल गए भाई नीचे से यहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, मैं एक दूसरी ला रहा था बट यहाँ आके लगा कि मेरा जो फैसला ऐसा ही है, ये ली है, सब 19 की जिद कर रही थी इसलिए मैंने यही ली। और भाई ये दीवार फिर रह गई, इसके लिए रंग भूल गया मैं। बाकी ये दीवारें देखो कितनी साफ सुथरी है, इसी दीवार में पानी गिरा ऊपर से इस बार और सीलन आई और पूरा रंग पेंट निकल गया। और ये मेरे मनी प्लांट है तो इसको मैं करूंगा अभी, कल जाके ही लाता हूं मैं इसके लिए कलर।